औरत में एक हद तक गरूर होना अच्छी बात है, ऐसा गरूर जो उसे राह चलते हुए हर ऐरे गैरे को देखने से बाज रखे। किसी को अपनी कमज़ोरियां मत बताएं, क्योंकि कुछ लोग आपकी कमज़ोरियां आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करने के इंतज़ार में होते हैं। मतलब ना हो तो लोग इज्जत करना तक भूल जाते हैं। मोहब्बत हो जाने के बाद हमें इस बात का पता नहीं होता कसूर हमारी आँखों का है या दिल का। जो खो कर कभी ना मिले वो इंसान की मोहब्बत, और जिससे तू बार बार खो कर पाता रहे वो खुदा की मोहब्बत। पता नहीं हम अल्लाह से जुड़ने के लिए अपने टूटने का ही इंतज़ार क्यों करते हैं। कुरान शरीफ को अपना रहबर बनाओ, कभी गुमराह नहीं होंगे। जब किसी की खुशी अपनी खुशी से ज़्यादा अजीज लगे, जब दुआओं में भी उसकी सलामती की दुआ मांगने लगें, तो समझ लें मोहब्बत दिल से होकर रूह में उतर गई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे गम व अफगार घेर लें उसे चाहिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बकसरत पढ़ा करें। मैं खुद में बुराइयां ढूंढता ही रह गया, उसने एक बार कहा था तू मेरे लायक नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजमाइश जितनी सख्त होती है उसका बदला भी उतना ही बड़ा मिलता है।